उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर कार्रवाई करने में जुटा है। इसी कड़ी में मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी विनोद कनौजिया पुत्र हनुमान कनौजिया के घर भी चला बाबा का बुलडोजर। लगभग दो बिस्वा पर विनोद कनौजिया का अवैध अतिक्रमण था। बता दें कि मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील के अदालत में बदलेखी की कार्रवाई करने का मुकदमा चल रहा था, जिसमें 18 जुलाई को मुकदमे में सुनवाई करते हुए बदलेखी करने की कार्रवाई का आदेश दिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुज कनौजिया मुख्तार अंसारी गैंग का एक शार्प शूटर है और उसका भाई विनोद कनौजिया गारा माटी इत्यादि का कार्यकर्ता है, जिसको जिला अधिकारी के निर्देशानुसार मौके पर SDM मोहम्मदाबाद शिप्रापाल, तहसीलदार राहुल गुप्ता, CO नरेश कुमार, रानीपुर थाना प्रभारी राम अवध, चिरैया कोट थाना प्रभारी हरिराम मौर्य, लेखपाल राजेंद्र कुमार सहित राजस्व कर्मचारी भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर बिना छत के मकान को प्रशासन के बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। लगभग दो घंटे तक कार्यवाही हुई। इस दौरान परिजनों में विरोध भी जताया, जिसको प्रशासन ने समझा बुझाकर अतिक्रमण को हटवाया। मोहम्मदाबाद उप जिला अधिकारी शिप्रापाल ने कहा, जल्द से जल्द पोखरी पर पड़े मलबे को भी हटवाया जाएगा। देखिए, तहसील मोहम्मदाबाद थाना चिरैया कोट के अंतर्गत ग्राम बहलोलपुर में ये एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जो गांव का तालाब था, जो पोखरी थी, उसके ऊपर अनुज कनौजिया और उसके सहयोगियों द्वारा ये निर्माण किया गया था। इसका भाई विनोद कनौजिया का परिवार इसमें रह रहा था, जिसके द्वारा यह बताया गया वो सिर्फ मिट्टी गारा मजदूरी का कार्य करता है। तो यह स्पष्ट है कि अनुज कनौजिया के सपोर्ट के बिना या माफिया तत्वों के सपोर्ट के बिना पूर्व में यह कार्रवाई नहीं की गई होगी या मकान नहीं बनाया गया होगा। इसी क्रम में थाना पुलिस द्वारा यह रिपोर्ट तहसील मोहम्मदाबाद में भेजी गई थी। तहसील मोहम्मदाबाद में इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई और यह पाया गया कि ये पोखरी पर बना हुआ है और इसी क्रम में इसकी जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जो यहाँ पर माफिया एलिमेंट है, उसमें पूर्व से ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या अन्य जो भी अटैचमेंट की कुर्की की कार्रवाई की जाती रही है, और भी जो माफिया एलिमेंट हैं उनकी भी सभी की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की जा रही हैं। और जो भी प्रॉपर्टी इस प्रकार की सामने आती रहेगी, चाहे सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला हो या अवैध धन से कमाई गई प्रॉपर्टी का मामला हो, तो सभी पर जो सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जाती रहेगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।